नमस्कार, एबीसी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बांदा में हुए सड़क हादसे की। दरअसल बांदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बोलेरो ने खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। बोलेरो सवार 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामला बबेरू कमासिन रोड का है। बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को कटर मशीन से गाड़ी को काटकर बबेरू CHC में भर्ती करवाया गया, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाकी दोनों घायलों को बांदा जिला अस्पताल में भेज दिया गया था, जहां एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक तिलोसा गांव में एक बच्चा करंट की चपेट में आ गया था, जिसे डॉक्टर को दिखाने के लिए लोग बांदा जा रहे थे। इसी दौरान हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हम लोग इधर CHC में आए हैं। यहाँ जो तिलोसा क्षेत्र से एक गाड़ी में 8 लोग जा रहे थे ड्राइवर समेत, तो बहुत तेज़ रफ्तार से वो गाड़ी चल रही थी, 120 किलोमीटर की स्पीड पे। एक स्टेशन ट्रक से भिड़ गई और मौके पर 8 में से 5 लोगों की डेथ हो गई। 3 को यहाँ लाया गया CHC में और 3 में से यहाँ 1 की डेथ हो चुकी है। 2 लोग जो बचे हैं बहुत गंभीर हालत में हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कितने लोग घायल हैं, कितनों की मौत हुई है? देखिए, बबेरू कमासिन रोड पर आज एक दुर्घटना हुई है, जिसमें कि खड़े ट्रक के पीछे एक बोलेरो जो कि काफ़ी तेज रफ्तार से जा रही थी, लगभग 120-130 की रफ्तार में जा रही थी, पीछे से उसने उसको टक्कर मार दी। बोलेरो में कुल 8 लोग सवार थे, जिनमें कि 5 लोगों की भी मौके पर मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति CHC बबेरू में उसकी मृत्यु हुई और एक और व्यक्ति के भी यहाँ जिला अस्पताल में डेथ हो गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर हमले का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियां यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने देवबंद में हुई इस घटना के बाद नाराजगी इनमें देखने को मिल रही है। औरैया में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और SDM को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ चंद्रशेखर आजाद के लिए सरकार से Z+ कैटेगरी की सुरक्षा की भी मांग की है। हम लोग आज इस जिला मुख्यालय पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर, जो कल सहारनपुर जिले के देवबंद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर जो जानलेवा हमला हुआ है, जो फायरिंग हुई है, उसके विरोध में तथा सरकार को ये बताने के लिए कि उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उन पर हमला हो चुका था। ये तीसरी बार का हमला ऐसा था कि गोली उनको लगी है। वो महापुरुषों की दया से वो आज हमारे बीच हैं जिंदा सकुशल। उसके लिए हम लगातार गाजियाबाद में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो उन पर कल हमला हुआ है, इसी विषय में हम जिन्होंने ये कुर्ता हरकत करी है, ये उन्हें सख्त सजा के लिए ज्ञापन देना है। क्या कुछ मांगे हैं आप? मांगन भाई Z+ सुरक्षा मिले भाई के लिए, और जो हमला हुआ उन्हों को भी सजा सख्त मिले, फास्ट ट्रैक। हाँ, जल्दी से जल्दी हमें न्याय चाहिए। हमने अपना ज्ञापन दिया है। जैसा आप सब लोग को पता है कि कल शाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पे एक हमलावर, जो बहुत ही घातक हमला हुआ है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बच गए हैं, लेकिन अगर वो गोली सही टाइम पे कहीं पे लग जाती तो हम लोग कहीं के नहीं रहते। इस चीज़ से हम लोग आहत हैं और इस वजह से ही हम लोग सभी लोग उनके पास थे सहारनपुर, लेकिन रात में एनी हाउ हम लोग अपनी जगह पे पहुँच कर सब जिलों में हमने ज्ञापन दिया है। उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या मांगा? हमने सुरक्षा के लिए उनके लिए Z सिक्योरिटी मांगी है, क्योंकि हमारे देश में Z सिक्योरिटी उन लोगों को जरूर मिलती है जिनके ऊपर हमेशा निगाहें रहती हैं असामाजिक तत्वों की। जब हमारे देश में Z सिक्योरिटी किसी भी फिल्म स्टार को मिल सकती है, किसी पॉपुलर सेलिब्रिटी को मिल सकती है, तो जो हमारे समाज के नेता हैं। मुजफ्फरनगर में भी चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठ गए।
और इस वारदात का जल्द खुलासा करने की मांग की। चंद्रशेखर आजाद को जट कैटेगरी की सुरक्षा देने के साथ मामले में ठोस कार्रवाई की मांग भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने की। कार्रवाई न होने पर राज्य के सभी हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम करने की भी चेतावनी दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ देवबंद में एक प्रोग्राम था, एक साथी थे पार्टी संगठन के, उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी। उस प्रोग्राम में चंद्रशेखर भाई पहुंचे थे, हम लोग साथ थे। वहां से प्रोग्राम से फारिग होने के बाद चंद्रशेखर भाई सहारनपुर की ओर रवाना हुए और हम लोगों को मुजफ्फरनगर जाने के लिए उन्होंने कहा। हम लोग जैसे ही मुजफ्फरनगर के लिए मुड़े तो 5 मिनट बाद ही कॉल आया कि चंद्रशेखर भाई पर फायरिंग हो चुकी है। हम लोग पहुँचे तो चंद्रशेखर भाई का सारा वहाँ हाल जाना। वहाँ जाके देखा तो चंद्रशेखर भाई पर गोली 3 वार गोली के किए हुए थे, एक पिछले हिस्से में हुआ, 2 गोली अगले हिस्से में, एक खिड़की में पार होकर चंद्रशेखर भाई के कमर को छूती हुई सीट को पार करके निकल गई। देखिए मेरे जो पिताजी हैं उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, 4 दिन से बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। भाई को इसकी सूचना मिली तो वो उनका हालचाल लेने के लिए आए थे। वो हालचाल लेने के लिए आए और बातचीत करी, डॉक्टर से बात करी, पिताजी को भी देखा, हमसे भी मिले। उसके बाद वो देवबंद की तरफ निकल गए। वहाँ पर हमारे एक कार्यकर्ता की माता जी का देहांत हो गया, काफ़ी पुराने समय से वो जुड़े हुए हैं। तो मैं ICU के अंदर था, इमरजेंसी में फ़ोन के टावर नहीं आ रहे थे, तो डॉक्टर ने एक पर्ची लिखी दवाई की, उसे लेने के लिए मैं जैसे ही बाहर आया तुरंत। मानसून सीजन में जोरदार बारिश हो रही है। गाजियाबाद में भी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआं इलाके में सड़कें लबालब पानी से भरी नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जिन नालों की मानसून सीजन से पहले सफाई होनी थी उनकी सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से बरसात के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और जलभराव देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं, लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी में तो जाम, पानी पानी भरा पड़ा है, जाम की हालत बहुत बेकार हो रही है, पानी पानी है पूरा, बारिश में आने वाले। एजेंसियां दावे करती हैं कि कई सड़कों पे जल भराव नहीं होगा, क्या क्या आप समझते हैं दावों में कितनी सच्चाई है उनके? गांव में तो झूठी सताई सकता है, तो कुछ काम है ही नहीं है। बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहाँ 20 दिन पहले घर से बुलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई ना होने से ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने पंचायत में उग्र आंदोलन करने का फैसला लिया है, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामला बिनोली थाना इलाके के माखर गांव का है। आरोप है कि जहां गांव के ही विशेष समुदाय के 3 युवक श्वनी को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ पंजाब ले गए थे, आरोप है कि वहां जाकर तीनों ने श्वनी की हत्या कर दी और शव को पटियाला की नहर में डाल दिया। पंजाब पुलिस ने युवक के शव को नहर से बरामद कर शव की शिनाख्त भी कर ली है, लेकिन अभी तक तीनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित परिजन बागपत और पंजाब पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कार्रवाई ना होने पर गांव में विशाल पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया कि अगर जल्द कार्रवाई ना हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी हमारे गांव में एक मुसलमानों ने एक लड़के को ले गए भगा फुसला के, उसकी पंजाब में ले जाके हत्या कर दी, और हमने बिलोली थाने में 14 तारीख को गुमशुदा की उसकी रिपोर्ट करवाई, नाम दर्ज 3 आदमियों के, मांगे पुत्र इस्लामे, वसीम पुत्र मांगे, नसीम पुत्र मांगे, लेकिन बिनोली पुलिस ने हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमने 15 तारीख में SP साहब को रिपोर्ट दी, SP साहब ने कहा कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, हमें आश्वासन दिया था, लेकिन हमारी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है उस बच्चे की। फिर 17 तारीख चलिए अब बुलेटिन में बात रामपुर में वन विभाग के स्नैकमैन की भी कर लेते हैं, जो अपने हुनर के बल पर करीब 400 जहरीले सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं। इनका नाम है बेचू सिंह। अक्सर जब भी जहरीले सांप की शिकायत वन विभाग की टीम को मिलती है तो रेस्क्यू की जिम्मेदारी बेचू सिंह को ही दी जाती है, जो चंद मिनटों में जहरीले सांपों को पकड़ लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जौनपुर के रहने वाले बेचू सिंह साल 2002 में वन विभाग की टीम में शामिल हुए थे। वे सांप के अलावा कई खतरनाक जीवों को भी पकड़ चुके हैं। DFO राजीव कुमार ने बताया कि उन्हें स्नेक मैन का तमगा ऑफिशियली नहीं मिला है, लेकिन अगर उन्हें स्नेक मैन ऑफ रामपुर कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा।
फरुखाबाद से हादसे की खबर है। ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजपुर थाना इलाके के कुतलुपुर के पास का है। जानकारी के मुताबिक ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ था। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बाकी सभी घायलों को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। उपाधि तो खैर अभी ऑफिशियल रूप से नहीं मिली है, लेकिन अगर उसको उनको स्नेक मैन ऑफ रामपुर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उन्होंने अब तक करीब 300-400 जहरीले सांपों का सफल रेस्क्यू किया है, और सबसे अच्छी बात यह है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। जैसे ही हमारे पास फ़ोन आता है, 10 मिनट के अंदर ये उस मौके स्थल पर होते हैं और सकुशल सांप को पकड़कर उसको प्राकृतिक वास में भी छोड़ देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कर्मचारी हमारे पास हैं जो सजग रहते हैं, जनता के प्रति उनके दिमाग में हमेशा अच्छा काम करने की एक जिज्ञासा बनी रहती है, और इसी का ये नतीजा है कि 300-400 सांप पकड़ना कोई आसान। बुलेटिन के आखिर में बात मथुरा की भी कर लेते हैं, जहां देवश्वेनी एकादशी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे थे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्त अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए लालयुक्त नजर आए। इस खास मौके पर सेवायतों ने मंदिर परिसर में देसी विदेशी फूलों से भव्य बंगला सजाया था। भक्तों के उमड़े हुजूम के कारण मंदिर के आसपास की गलियों में भारी भीड़ का दबाव देखने को मिला, जिससे दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मंदिर के सेवायत शुभम गोस्वामी ने बताया कि देवशयनी एकादशी की सनातन धर्म में बड़ी मान्यता है। इसी दिन भगवान विष्णु विश्राम करने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं, और इसी के साथ सनातन धर्म में 4 महीने तक कोई भी शुभ और मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। सर्वप्रथम आप सभी प्रभु भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज देवशयनी एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज का पर्व बहुत ही विशेष महत्व रखता है हिंदू धर्म में, क्योंकि देवशयनी एकादशी वह एकादशी है जिस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि आज से 4 माह तक सभी मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है, यानी विवाह आदि आज से 4 माह तक नहीं होते हैं। ये एकादशी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।